हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं ग्रेस मार्क से रिलेटेड। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे सभी यूपीडी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, यूपीपीडी के जिस जिस छात्र छात्रों ने रीचेक का फॉर्म भरा या स्क्रूटनी का फॉर्म भरा है, वो सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या भैया रीचेक के रिजल्ट में भी ग्रेस मार्क्स मिलता है, ग्रेस मार्क्स का क्या नियम रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। तो देखो, ग्रेस मार्क्स आपका क्या होता है, ग्रेस मार्क्स आपका 10 नंबर का होता है। ठीक है, आपके 10 नंबर का मार्क्स आप मतलब आप हद से ज़्यादा 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स आप ले सकते हो एक बार पूरे 3 साल में, पूरे एक बार अपने सेशन में 3 साल में एक बार आप 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 5 में से आपकी एक सब्जेक्ट में आपकी बैक थी जिसमें आपने स्क्रूटनी या रीचेक का फॉर्म भरा है। ठीक है, जिसमें आपके मार्क्स हैं रीचेक रिजल्ट के बाद आपके जो मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में, वो मान लीजिए 10-12 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 12 नंबर हो जाते हैं। तो उस स्थिति में अगर आप ग्रेस मार्क्स लेके अगर पास हो रहे हो तो वहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। मतलब 12 नंबर हैं, 5 आपके जुड़ जाएंगे, 5 नंबर का आपको ग्रेस मार्क्स लग जाएगा, 12 5 17। तो आपका जब 17 मार्क्स हो जाएंगे आपकी वाली बैक क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी 3 बैकें हैं और अगर ग्रेस मार्क्स दे के भी आप 3ों में पास नहीं हो रहे तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। मिनिमम आप 10 नंबर का ग्रेस मार्क मिनिमम और मैक्सिमम 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स आप ले सकते हो, 10 नंबर से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो आई होप आपकी जो क्वेरी है ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड वो पूरी हुई होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका इस महीने के लास्ट या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा 100%। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।